दिल्ली चलते हैं। नई दिल्ली के न्यू मीडिया सेंटर, जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली बाबा बंदा सिंह पर एक नया सिक्का जारी करने के बाद वहां संबोधित कर रहे हैं। और यह जरूरी भी है कि कोई भी देश मुल्क आजाद रहे, अपनी आजादी का जश्न मनाता रहे, तो इतिहास के महापुरुषों को याद रखना और 2016 300 साल पूरे उन दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत दे शहादत 46 साल की उम्र च हुई। और जिस तरह प्रोफेसर साहब ने पूरा इतिहास सुनाया कि पहली बार एक खुद मुख्तियार हुकूमत पंजाब दे विच उन्होंने बनाई और एक अच्छा हुकूमत किन चल सकती है सब नू नाल लेके उदा एक उदाहरण पेश किया। अपने 740 साथियों के नाल बाद विच पकड़े गए 2000 आज तो 300 साल पहले 1716 इच और कुतुब मीनार दे कोल उन्हां दी शहादत हुई। यह जड़ा सिक्का वे उदा रेप्लिका जड़ा बनाया है वो रेप्लिका एक तरह यादगार बन जाती है। और यह जड़ा वीडियो वे और मैं कहूँगा कि वीडियो और सिक्के दे नाल नाल उन्हां दी लाइफ ते अगर डॉक्यूमेंट्री भी छोटी जी बन सके, हाँ पूरी बन सके, तो क्योंकि आजकल कई बार हर कोई उस पूरे इतिहास नू जानदा नहीं और खालसा इतिहास खास तौर से बहादुरी का इतिहास रहा वे, कुर्बानी का इतिहास रहा वे। और उस इतिहास 1716 अपना महत्व वे। मैं खुशी है कि दिल्ली दे विच भी 3-4 वड्डे प्रोग्राम जैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। एक शायद तुसी मरोली दे कोली कर रहे हो उस स्थान नू 24 तरीक नू, और मनजीत ने उन्हें मैंने दसिया कि 1-3 जुलाई नू है जिदे शायद पंजाब सरकार वल्लों हो रहा है जिदे प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। और 300 साल का जड़ा सैलीब्रेशन है एक तरह यादगार बन जाए और यह यादगार देश नू भी एजुकेट करे पूरी इस इतिहास के बारे दे विच, क्योंकि समाज बड़े वर्ग ऐसे ने जिन्हों इस इतिहास का पूरा याद नहीं रहा और एक तरह प्रेरणा देता इंस्पायर करता अज की पीढ़ी नू, खास तौर से जब अलग अलग तरह दियाँ ताकत दुनिया और देश नू कमज़ोर करने लगिया रहिंदी हैं, तो इस कुरबानी की दास्तान भी सामने आवे ऐसा पूरा प्रयास करिए। मैं एक बार फिर उस ओरिजिनल कॉइन का रेप्लिका बनाने वास्ते और ये सारी सैलीब्रेशन शुरू करने वास्ते SGPC खास तौर से बहुत बहुत मुबारक देना कि उन्होंने यह कदम उठाया और मैनू बुलाया मनजीत ने, ये मनजीत का भी और तुहाडे सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत, बहुत, बहुत।